क्या हुआ पायल? कृष्ण, कृष्ण, कोई है यहाँ पे? या कोई है? तुम्हें फड़फड़ाने की आवाज़ आई, कृष्ण, प्लीज, नहीं तुम्हें बचा लो, छोड़ बचा लो प्लीज। पायल, वो देखो, देखो उस मैगजीन को, हवा में उड़ रहा है वो मैगजीन, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है, बेकार में डर रही हो तुम। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जिस तरीके से हमारे सामने एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो अम्मा जी हैं वो डांटती हैं कृष की मॉम को भी और कहती हैं सब कुछ इसी का किया धरा है, जब इसके बेटे की एक वाइफ थी, बहुरिया थी, तो दूसरे अवैध संबंध बनाने की या दूसरी बहुरिया लाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर साक्षी खुश हो जाती है कि वाह, सास तो सास को डांट रही है। और यहाँ पर जो है हम ये भी देखते हैं कि पायल बहुत ज्यादा घबराई हुई है, उसे लगता है ये आवाज तो बाथरूम से आ रही है। कि नहीं, सांप खाने से तो ये हो जाता है, सांप अगर काट लेता है तो ऐसा हो जाता है, वो अपने कमरे से ही नहीं हिलती है। दूसरे और आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो अम्मा जी और बिंदिया ने प्लानिंग करी है कि हम पायल को इस तरीके से सबक सिखाएंगे, और ये सारी प्लानिंग पायल के सामने भी है तो वो बहुत ज्यादा डर रही है। आने वाले एपिसोड में पायल की बातों को कौन यकीन कर पाएगा, या फिर अम्मा जी जिस तरीके से सबको सलाह दे रही हैं कि जब बिंदिया और कृष ऑलरेडी शादीशुदा थे तो पायल को लाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर अम्मा जी ये कहती हैं कि जब तक हमारी बिंदिया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये कहीं नहीं जाएगी। तो अब ऐसे में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद बिंदिया को कोई इंसाफ मिले, और अम्मा जी बिंदिया का साथ दे ही रही है, इससे पहले बाबूजी भी बिंदिया का ही साथ देते हुए दिखाई देते थे। खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।